नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम सभागार में सोमवार को आम बजट को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने की। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन समेत सभी 51 वार्ड के पार्षद की मौजूदगी में बजट पेश किया गया। बता दें कि इस बार नगर निगम द्वारा 35 लाख रुपये के लाभ का बजट पेश किया गया है। वह इसको लेकर नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विभागों और योजनाओं के आधार पर बजट की राशि सुनिश्चित कर ली गई है और जल्द ही इस पर उचित कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि सभी वार्डों के पार्षदों से बातचीत कर यह लाभ का बजट तैयार किया गया है, जिसमें सभी वार्डों को काफ़ी फायदा मिलेगा। साथ ही मेयर ने कहा कि कई तरह की योजनाओं का लाभ भागलपुर वासियों को मिले, इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मेयर, उपमेयर और सभी पार्षद के भत्ता को लेकर भी चर्चा की गई, जिस पर फैसला लेकर जल्द ही बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर सोमवार को भागलपुर पुलिस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर का उद्घाटन भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने किया। वहीं रक्तदान शिविर में SSP समेत बिहार पुलिस दिवस पर काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस जवानों ने रक्तदान किया। इधर रक्तदान के बाद SSP आनंद कुमार ने कहा कि लोगों को कई बार रक्त की जरूरत पड़ती है और इस तरह के कैंप के माध्यम से ब्लड संग्रहित कर जरूरतमंद लोगों को मदद की जा सकती है। बता दें कि रक्तदान के दौरान सभी पुलिस जवानों में काफी उत्साह देखने को मिला। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और आप देख रहे हैं हमारे 50 से ज़्यादा जवान अभी भी कतार में और वो रक्तदान करने के लिए इच्छुक, जिससे कि भविष्य में हम लोग जिनको रक्त की आवश्यकता होती है ऐसे मरीजों की जान की रक्षा कर सकें और समाज सेवा अपना। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यक्रम सोमवार को आयोजित हुआ। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधान परिषद सह प्रवक्ता किरण घई ने कहा कि सफलता परिक्रमा से नहीं बल्कि पराक्रम से मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में लक्ष्य तय कीजिए और प्राप्त करने के लिए उस पर फोकस बनाए रखिए, तभी पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शक्ति का आवेश हमें अहंकार में भटकाता है और सफलता पाने में बाधक बनता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने बैठक में कहा कि बिहार महिला मोर्चा की टीम की 700 बहनों ने 45 दिन तक विभिन्न राज्यों में चुनाव प्रचार कर ऐतिहासिक काम किया है, जबकि घर परिवार की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाने वाली महिलाओं द्वारा परिवार को छोड़कर बाहर निकलना काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा वरिष्ठ भाजपा नेता हरिवंश मणि सिंह ने कहा कि जीवन की सफलता में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है और महात्मा गांधी को भी अहिंसा का पाठ कस्तूरबा गांधी ने ही पढ़ाया था। वहीं कार्यक्रम को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य डॉक्टर ममता समेत कई नेतियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री शोभा सिंह ने और धन्यवाद ज्ञापन भागलपुर भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह ने किया। इससे पूर्व 2024 में महिला मोर्चा की भूमिका पर चर्चा करते हुए प्रेस पैनलिस्ट आशुतोष झा ने कहा कि आदिकाल से देश के विकास महिलाओं की भूमिका रही है और महिलाओं ने हर युग में बलिदान देने के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, जिला उपाध्यक्ष संतोष कुमार, रोशन सिंह, महिला मोर्चा महामंत्री अनामिका ठाकुर, माला सिंह, नंदनी सरकार, किरण सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा नेत्री और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो भी संगठन है उसका एक कार्य समिति होती है कि पीछे के जो किए गए कार्य है उनका आकलन, मूल्यांकन और आगे आने वाले कार्यों के लिए मार्गदर्शन दिशा निर्देश दिया जाता है। उसी के रूप में आइए महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति आयोजित की गई थी। ये हमारा दैनिक दिनचर्या वाली कार्य समिति है, ये अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है जिसको लेके हमने इसको रखा है। ये हर 3 महीने पे हमारा ये कार्य समिति होती है, उसी के अंतर्गत कार्यक्रम भागलपुर जिला में। महिला मोर्चा बिहार प्रदेश की यह प्रदेश कार्य समिति थी और इस कार्य समिति में हमारी बहनों ने एक नेतृत्वक्षम कार्यकर्ता बनने का संकल्प लिया और किस प्रकार राजनीति के माध्यम से वो समाज बदल सकती हैं और भारत के विकास में अपना योगदान दे सकती हैं, इसके लिए विविध प्रकार से उनको जो बताया गया उसको उन्होंने समझा है और बहुत ही कर्मठ हमारी ये बहनें हैं।
आगे के लिए 2024 और 2025 का संकल्प इस कार्य समिति में लिया गया है। भागलपुर कृषि भवन कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले में अलग अलग जिले से लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जबकि मेला का उद्घाटन मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया जाएगा। वहीं इसको लेकर भागलपुर उद्यान विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि प्रदर्शनी के लिए कुल 15 स्टॉल बनाए गए हैं, जबकि मंगलवार को औपचारिक उद्घाटन के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ प्रदर्शनी में जुटने की संभावना है। उन्होंने बताया कि जीविका दीदी के अलावे मधुमक्खी पालन समेत विभिन्न उत्पादों की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जबकि विशेष रूप से की गई काजू की खेती को लेकर स्टॉल पर जानकारी दी जाएगी। 3 दिवसीय परमंडल स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन 27 तारीख 28 तारीख और 1 मार्च के डेट में संयुक्त कृषि भवन परिसर तिलका माझी में की जा रही है। इसमें है जो कि 27 तारीख को विभिन्न प्रदर्शनों में किसान से जिले के यहाँ से भागलपुर से लेकर बांका तक के किसानों के द्वारा इसमें प्रादर्श का है जो कि एंट्री रजिस्ट्रेशन और ये सब प्रक्रिया होगी, और आज ही है जो कि प्रादर्श का मूल्यांकन भी की जाएगी, और 28 तारीख कल के डेट में जो है कि इसका उद्घाटन होगा। उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उद्घाटन हम लोग कराएंगे, और उसके बाद जो आम जन के लिए है वो 28 तारीख और 1 मार्च के जो डेट में है वो आम जनों के लिए ओपन है। यहाँ पे आ सकते हैं, आके पूरा प्रदर्शनी को देख सकते हैं, घूम सकते हैं। समापन भी इसका 1 तारीख के ही डेट में है, शाम में, ठीक है। नवगच्छा के नारायणपुर अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र इनिश 31 पर सत्संग आश्रम के समीप 3 ट्रकों की आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक चालक की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक और उपचालक को तत्काल इलाज के लिए नारायणपुर PHC में भर्ती करवाया गया। घटना रविवार के सुबह की है। मृतक की पहचान वर्धमान निवासी मनोवर खान उर्फ मलिक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनोवर खान बिहार शरीफ से धान लोड ट्रक मालदा की ओर ले जा रहे थे, तभी भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इनिश 31 पर 2 ट्रक द्वारा एक दूसरे को ओवरटेक करने के क्रम में धान लदे ट्रक के आगे का हिस्सा चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टक्कर मारने वाले बालू लोडेड ट्रक सड़क के दोनों तरफ विपरीत दिशा में लुढ़क गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भवानीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को इनिश से हटवाकर सड़क खाली करवाया। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में संत निरंकारी मिशन के द्वारा बाबा हरदेव सिंह महाराज की जयंती को लेकर साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान संत निरंकारी के जिला संयोजक दिनेश मंडल के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने अजगैवीनाथ गंगा और नमामि गंगे घाट पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई की। कार्यक्रम में नगर परिषद के सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे, सुपरवाइजर विनोद मल्लिक की मौजूदगी में नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने गंगा घाट की साफ सफाई कर लोगों को भी स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं संस्था के सुल्तानगंज प्रभारी शशि भूषण उर्फ मुन्ना ने बताया कि संत निरंकारी मिशन के द्वारा गुरु बाबा हरदेव सिंह के जयंती के अवसर पर पूरे विश्व में वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा के निर्देश पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मौके पर संत निरंकारी मिशन के सुरेश दास कटियारी, सुषमा देवी, आर्यन कुमार, चंदन कुमार समेत कई सदस्य मौजूद थे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो निरंकारी मिशन के आज वर्तमान सतगुरु हैं, बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर जो 23 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते थे, इस बार 26 फरवरी को मना रहे हैं, चूंकि आज राष्ट्रीय छुट्टी भी है, रविवार के दिन है, और आज सतगुरु माता जी के आदेश अनुसार यहाँ निरंकारी मिशन के अनेकों ब्रांचे हैं। भागलपुर के दामोदरपुर, अमरपुर, बांका, शाहकुंड, तारापुर, कटियारी, अनेकों ब्रांच के निरंकारी सेवा दल के भाई बहन यहाँ सभी आए हैं, और जल के स्रोत गंगा नदी को आज हम लोग सफाई कर रहे हैं। पुलिस जिला नवगच्छा के भवानीपुर निवासी होमगार्ड जवान निरंजन यादव ने पिछले दिनों नवादा गांव के रघुवंश यादव और रुदल यादव पर जबरन अपने ट्रैक्टर पर कब्जा कर लेने और वापस मांगने पर 1.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। इसको लेकर निरंजन यादव ने नवगच्छा थाना और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर ट्रैक्टर के बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं इसके बाद वरीय पदाधिकारियों द्वारा
निरंजन के मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसी सदमे में पिछले दिनों निरंजन यादव की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसके बाद उसे इलाज के लिए JLMMCH में भर्ती कराया गया था। वहीं इसको लेकर निरंजन का कहना है कि उसका ट्रैक्टर नवगछिया रैक पॉइंट पर नमक लोड करने खगड़िया गया था और वहाँ से नमक अनलोड करके ट्रैक्टर चालक वापस घर आ रहा था, तभी कामाख्या पेट्रोल पंप के पास उनके चालक को अपराधियों ने डरा धमका कर ट्रैक्टर लूट लिया। साथ ही कहा कि इसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर की काफ़ी खोजबीन की, जिसमें पता चला कि उनका ट्रैक्टर नवादा निवासी रघुवंश यादव और रुदन यादव के पास है। निरंजन यादव ने बताया कि जब वे अपना ट्रैक्टर वापस लेने दोनों के पास पहुंचे तो दोनों ने ट्रैक्टर वापस करने के बदले बतौर रंगदारी 1.5 लाख रुपये की मांग की है। हम समस्या लेकर आए थे कि हमारा ट्रैक्टर 13 तारीख को ही गायब हो गया था, 0 माइल से आगे आने के बाद छीना गया था। तो 14 तारीख को जब मालूम हुआ तो मैं 13 तारीख को एक आवेदन नगोछिया थाना बड़ाबाबू को दिए। बड़ाबाबू से हम बोले कि सर मेरा ट्रैक्टर गुम हो गया है। 14 तारीख को जाके भी बोले कि मेरा ट्रैक्टर नवादा में देखा गया है, फलां आदमी ले गया है, श्रीमान ट्रैक्टर मंगाया जाए और उससे पूछा जाए क्यों लाए हो। तो बड़ा बाबू हमको बोलते हैं कि जा करके तुम्हारा कोई आपसी मामला है तो जाके सल्टो। लेकिन हम जब नवादा गए ट्रैक्टर मांगने के लिए तो मुझे हमसे कहता है कि जाओ 1.5 लाख टका रंगदारी लाओ, कहाँ हमारा ट्रैक्टर पलटी किया है, रंगदारी लाओ तब ये ट्रैक्टर देंगे। कहाँ ट्रैक्टर पलटी किया है नहीं किया है, ट्रैक्टर पलटी का आवेदन आरोप लगा करके हमारा ट्रैक्टर रखे हुआ है। जब मेरे ट्रैक्टर इंश्योरेंस है, हमारे ट्रैक्टर ने अगर धक्का मारा है तो मेरे ट्रैक्टर पे केस करे और इंश्योरेंस मिलेगा उनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।